News 18 India। किसानों ने तय कर लिया है कि आज वो दिल्ली कूच कर रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है और मैं तस्वीरों के साथ ही आपको बताती हूं कि कैसे इस वक्त तैयारी की गई है, क्योंकि आप ये तय मान लीजिए कि चाहे केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की गई हो कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकल जाए, लेकिन जब किसान मानने को तैयार नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रशासन की तैयारी भी पूरी दिखाई दे रही है। ये जो बैरिगेटिंग आपने अमूमन इससे पहले देखी होगी, लोहे की बैरिगेटिंग हम देखते हैं, लेकिन ये जो बैरिगेटिंग आप देख रहे हैं इसे इतना पुख्ता, इतना मजबूत, इतना पक्का कर दिया गया है कि अगर जो किसान आगे की तरफ कूच करते हुए दिखाई देंगे तो वो इसको बिल्कुल भी ना लांघ पाए। अगर आप इस बॉर्डर में से बॉर्डर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन जो बॉर्डर होता है वो इसी तरीके का हमेशा हमने देखा है, दिखता रहा है, लेकिन ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये बैरिगेटिंग की गई है और वो इसीलिए की गई है क्योंकि किसी भी रूप में अगर इस आंदोलन के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस स्थिति तक पहुंचा ही ना जाए, इसकी कोशिश है। आप दूसरी तरफ जब देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल को कहूंगी कि जरा ये भी दिखा दे कि दिल्ली कूच जब है, चलो दिल्ली कहा गया है, तो ये वो रास्ता है गाजीपुर बॉर्डर का जो दिल्ली की तरफ जोड़ता है, यानी कि ये रास्ता बंद है। अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप यहां से नहीं जा सकते। आप कहां से जाएंगे विशाल, जरा ऊपर भी दिखा दीजिए। बहुत लंबा सफर तय करके आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरना होगा, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर भी आप देखेंगे तो मुझे यहीं से पुलिस फोर्स भी दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ी भी दिखाई दे रही है। यानी कि आप ये तय मान लीजिए कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो फिर आपको एक लंबा सफर आम व्यक्ति होने के नाते तय करना पड़ेगा। लेकिन वो किसान जो पूरी रणनीति के साथ अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है तो फिर वो दिल्ली कूच यहाँ से करेंगे। और न सिर्फ ये बॉर्डर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है बल्कि ऐसे तमाम बॉर्डर, चाहे वो सिंघू हो चाहे वो टिकरी हो, वहाँ पर अब पुख्ता इंतजाम ऐसे कर लिए गए हैं। मैं आपको बता दूँ कि न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। इनके अलावा यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है कि अगर किसी भी रूप में स्थिति बिगड़ती है तो आंसू गैस के गोले कैसे दागे जाएं, वाटर कैनन का कैसे इस्तेमाल किया जाए। लब्बो लबाब ये है कि कोई भी अगर किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा करने की कोशिश करेगा या माहौल बिगाड़ने की या किसी भी रूप में नियम कायदे को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो फिर प्रशासन की भी यहाँ पर पूरी पुख्ता तैयारी मुझे दिखाई दे रही है।